हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डिफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कुछ सेकंड्स का। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि डिफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, डिफर्ड टैक्स या डिफर्ड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है, और इनके लोन्स में क्या डिफरेंस है इनमें और इस तरह के पेमेंट्स में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफर्ड का मतलब समझते हैं। तो डिफर्ड की हम बात करें तो जहां पे भी हमें कोई भी पेमेंट या कोई भी चीज डिले करनी होती है, ऑन द टाइम नहीं करनी होती है, लेटर में पे करनी होती है, बाद में पे करनी होती है, तो उसे हम बोलते हैं डिफर्ड। यानी जहां भी डिले करना होता है कोई चीज, वहां पे डिफर्ड वर्ड यूज होता है, ठीक है। चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे वो टैक्स हो, अगर उसके आगे डिफर्ड लग गया है इसका मतलब वो लेट पेमेंट होगा, ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट का भी मतलब यही है कि ऐसे पेमेंट जो आप लेट में पे करते हो, ठीक है। जैसा कि फिगर में ही दिया हुआ है कि बाय नाउ पे लेटर, यानी खरीद हम आज रहे हैं लेकिन इसका पेमेंट हम बाद में देंगे, वही क्या कहलाता है, डिफर्ड पेमेंट कहलाता है। तो अगर हम डिफर्ड पेमेंट की बात करें तो इसके केस में हमें ब्याज नहीं देना होता है, अमाउंट उतना ही देना होता है जितना एक्चुअल में उस आइटम का अमाउंट रहता है, ठीक है। और ये हर पर्सन के लिए नहीं होता, मतलब जो डिफर्ड पेमेंट्स कंपनियां देती हैं ये कुछ ही पर्सन को देती हैं, कुछ ही लोगों को देती हैं जिनकी क्रेडिट अच्छी होती है मार्केट में, सिर्फ उन्हें वो डिफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, सभी को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन आज डिटेल में समझते हैं। ए डिफर्ड पेमेंट इज एन एग्रीमेंट टू पे फॉर समथिंग एट अ लेटर डेट। तो बेसिकली ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि हम बाद में इसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिफर्ड पेमेंट इज दैट इट इज अ प्रोमिस यू मेक टू पे द होल अमाउंट बैक इन द फ्यूचर। तो ये एक तरह का बेसिकली एग्रीमेंट या प्रोमिस होता है कि आप इसका पूरा अमाउंट फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज यूजली डन इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स। इसको सेवरल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, कभी कभी मंथली या आप क्वार्टर या 6 मंथ पे करते हैं, ठीक है। ए डिफर्ड पेमेंट इज नॉट अ लोन एंड डज नॉट चार्ज इंटरेस्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डिफर्ड पेमेंट हमारे लोन नहीं होते, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू एवरीबडी। तो ये सबके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इफ यू हैव बैड क्रेडिट देन दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। तो अगर आपकी अच्छी मार्केट में गुडविल या क्रेडिट नहीं है तो ये कोई भी कंपनी आपको ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट कैसी है, तभी आपको डिफर्ड पेमेंट वाली वाला सिस्टम जो है अलाउ करती है कंपनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम डिफर्ड पेमेंट प्लान अलाउ यू टू मेक द फर्स्ट पेमेंट आफ्टर योर परचेज सच एज अ मंथ आफ्टरवर्ड्स अदर रिक्वायर द फर्स्ट पार्शियल पेमेंट अपफ्रंट। तो कुछ डिफर्ड पेमेंट प्लान ऐसे होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि फर्स्ट पेमेंट आप परचेज के बाद करिए, 1 मंथ के अंदर, या फिर आप उसके अदर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करिए, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द डिफर्ड पेमेंट प्लान। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है डिफर्ड पेमेंट प्लान पे कि कैसा किसी कंपनी का डिफर्ड पेमेंट प्लान है, किस तरह से वो पेमेंट लेना चाहती है या वो कैसी कैसी छूट हमें देना चाहती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लोन वर्सेस डिफर्ड पेमेंट। तो लोन और डिफर्ड पेमेंट में बेसिक डिफरेंस हमारा वही इंटरेस्ट वाला है कि ए डिफर्ड पेमेंट इज अ पेमेंट प्लान That allows repayment of a debt at a future date without interest acquiring. तो ये हमें allow करता है कि हम future में amount pay कर सकते हैं, वो भी without interest दिए हुए, हमें interest भी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए loan की बात करें तो loans में हम money borrow करते हैं repayment करने के लिए future में, और वो भी हमें interest देना होता है, ठीक है। अगर हम किसी से उधार या loan ले रहे हैं तो हमें ब्याज सहित तो उसको पैसा वापस देना होता है। तो ये difference होता है deferred payment और loan में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफर्ड लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिफर्ड का मतलब हो गया कि डिले, तो यहाँ पे ऐसी लाइबिलिटीज की बात हो रही है जो कि आपको पे करना था लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, ठीक है। ए डिफर्ड लाइबिलिटी ऑल्सो नोन एज डिफर्ड क्रेडिट, इसको हम डिफर्ड क्रेडिट या फिर डिफर्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं डिफर्ड लाइबिलिटी को, ठीक है। रिफर्स टू मनी रिसीव्ड बाई अ कंपनी फॉर गुड्स और सर्विसेस दैट इट हैज नॉट एट डिलीवर्ड और परफॉर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें जो है पैसे मिल गए हैं एडवांस में
किसी को हमें 20 कंप्यूटर देने थे और हमने अभी उनको कंप्यूटर नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है, परचेजर को 20 कंप्यूटर हमने डिलीवर नहीं किया है लेकिन उसने हमें पेमेंट दे दिया है एडवांस में, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, डिफर्ड लाइबिलिटी कहलाती है कि जब तक हम उसका पेमेंट नहीं देते, उसका कंप्यूटर या उसका गुड्स या सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं कर देते, तब तक हमारी एक लाइबिलिटी बनी रहती है कि हाँ हमें उसको देना है, ठीक है, उसके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी तरह की लाइबिलिटीज आपकी डिफर्ड लाइबिलिटीज कहलाती है कि आपने गुड्स तो नहीं पहुंचाया लेकिन आपको पैसा मिल गया, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरह का डिले हो रहा है, आपने गुड्स डिलीवर नहीं किया है जो कि आपको कर देना चाहिए था और एडवांस ले लिया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट्स इज अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज द कंपनी स्टिल ओल्स द गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। तो अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, तो ये एक तरह की लाइबिलिटी हो जाती है कंपनी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको डिफर्ड लाइबिलिटी या डिफर्ड पेमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।